एक बात हो रही है कि मुल्क के साबिक सदर और फौज के सरबरा, साबिक सरबरा, उनका क्या बनेगा? ताहिरुल कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका क्या बनेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना दे रही है, उसका क्या बनेगा? तो पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि किसका क्या बनेगा। लेकिन बात असल में ये है कि जब खास तौर पर सऊदी अरब के अगर वजीर खारजा सऊद अल फैसल तशरीफ लाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई बात तो है जो बनेगी। और ये बात किसकी बनेगी, ये बात असल में पता लगाने की बात है। लेकिन यहाँ पर अफरा तफरी ये मची हुई है कि लोग कहते हैं कि जहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा हाल पाकिस्तान में हो रहा था, वो ये हो रहा था कि सियासत समझ नहीं आ रही थी कि किसकी चमकने जा रही है। तो फिर क्या ज़रूरत थी अल्ताफ़ हुसैन को ये कहने की कि एक नया सूबा होना चाहिए? लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने सूबे की बात नहीं की, लेकिन वो बात कर भी गए और नहीं भी की। ये खूबी होती है लीडर की कि वो बात कर जाता है और फिर उसके पीछे ढोल पीटने वाले बथेरे होते हैं। और नाज़रीन, बात हम ये करेंगे कि परवेज मुशर्रफ, जिस शख्स ने अपनी 40 साल की ज़िंदगी हमारी फ़ौज में गुजारी और फ़ौज में उन्होंने मुल्क के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए बिल्कुल तैयार थे किसी वक्त भी, और ये वो फ़ौजी थे जो कहते थे कि अगर मुझे शहादत मिली तो ये दर्जा बहुत ही खुश नसीबों को मिलता है, तो जो अपने मुल्क के लिए मर मिटने के लिए अगर तैयार है, तो फिर क्या क्या कैसे कह सकते हैं कि वो गद्दार है? जिसने भी कहा ये गद्दार है, उसको ये पूछना चाहिए कि वो गद्दार कैसे हो सकता है जिसने मुल्क को संभालने का ठेका लिया हुआ था फौज के सरबरा की हैसियत से। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि अगर कोई फौज में हो और फिर सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की हिफाजत करे, तो उसको गद्दार कहना खुद लोगों के जिम्रे में आता है कि वो भी शायद गद्दार हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हमने इस पर बात करनी है कि ये कह देना आसान है, लेकिन किसी के दिल से पूछें जिसने अपने 40 साल जिंदगी के गुजार दिए और मुल्क और कौम के लिए गुजारे, और फिर उसको ये ताना मिले जिंदगी के जब वो इस अयाम में आता हो, रिटायर्ड हो, और फिर उसको ये ताना मिले कि तुम गद्दार हो, तो फिर उसके दिल का अंदाजा आप ही लगा सकते हैं कि उसका दिल डूबेगा या उसका दिल मजबूत होगा। तो आज हम जो बात करेंगे वो पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात करेंगे, और उसके हिसाब से सीनियर मेंबर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनाब आदम गयासुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाले सलाम, सलाम अलैकुम। आदम साहब, हम बात करेंगे रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ। हालात नाजुक हैं, मुल्क इस वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता कि एक नई चीज़ शुरू की जाए और नया हो। अभी हम ये चाहते थे कि मुल्क में नई हुकूमत आई है तो तरक्की की तरफ मुल्क जाए, कुछ वो बातें हों और लोग भी उसी की बात करें, लेकिन फिलहाल यही नज़र आता है कि सिर्फ मुशर्रफ मुशर्रफ की बात होती है। तो आप ये बताएं कि गद्दार का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया? ये दरअसल एक बदकिस्मती है। जब इन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत ने देखा कि 40 साल जिस शख्स ने, आपने खुद उनकी इंट्रोड्यूस की कि 40 साल तक जिसने फ़ौज में रहा हो, चार जंगें लड़ी हो, जो हीरो रहा हो खेमखन में और कारगिल में, उसको आप कैसे गद्दार कह सकते हैं? बात दरअसल ये है कि नवाज शरीफ के लोगों ने पूरी कोशिश की कि करप्शन का एक पाई का भी इन पे कोई इल्ज़ाम लगा सकें। पिछले 4-5 साल से यही करते आए, ये नहीं कर सके, तो अब किसी ना किसी तरह से उन पे गद्दारी का नाकाम कोशिश की जा रही है। सोचने वाली बात है, जो शख्स चार जंगें लड़ चुका, जो शख्स अपने जान कुर्बान कर चुका, जो शख्स इतना कुछ हथेली में रख कर मुल्क के लिए एक नया आउटलुक दिया, नया पाकिस्तान दिया, जिसने करप्शन मिटाने की कोशिश की पाकिस्तान से, जिसने पाकिस्तान की इमेज को इतना अच्छा, जिसने कशकोल तोड़ने की कोशिश की, जिसने IMF को हमेशा हमेशा के लिए खुदाफिज का, जिसने गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश की, जिसने पाकिस्तान का वक़ार और प्रोडक्शन में इतना अच्छा काम, लेकिन उसको आप कैसे गद्दार कर सकते हैं? क्योंकि ये खुद कुछ कर नहीं सक रहे हैं और इनको पता है कि ये कुछ कर नहीं सकेंगे, तो किसी ना किसी तरह से वो इल्ज़ाम लगाने की नाकाम कोशिश कर रहे अच्छा, हैं। मैंने ये पूछना था, आपने कहा करप्शन की बात, और वाकई करप्शन अभी तक साबित नहीं हुई जिस नहीं कर तरह सकेंगे। दूसरे लोगों के लिए मशहूर हो जाता है कि करप्शन कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस वक्त HSBC का अकाउंट है एक एजवे रोड पर, उस अकाउंट को 70 लाख पाउंड उस अकाउंट में है। तो मेरा सवाल ये होगा आपसे कि वो 70 लाख पाउंड के अकाउंट क्या आपकी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हैं या फिर सिर्फ सिर्फ
परवेज़ मुशर्रफ़ के नाम। देखिए ये मैं मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि वो पैसे जो हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मुशर्रफ़ साहब ख़ुद स्पीच देते रहें, लेक्चर देते रहें, उनके उनको वो मुआवजा मिलता रहा और बहुत मुमकिन हो उनके पैसे उनमें है, तो वो फ्रीज़ क्यों हुए? ये मैं कबल अस वक्त है, मैं इसमें कुछ कह अच्छा, नहीं सकता अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है कि फ्रीज क्यों हुए। अच्छा, सुनने में यही आया है कि वो अकाउंट क्योंकि इस मुल्क में है और कोई वजह है तो वो फ्रीज, ये भी कंफर्म वैसे नहीं है कि फ्रीज, लेकिन सुनने में ये आया। उनका जब से वो आर्मी में थे, जब वो रिटायर हुए और जब उन्होंने हुकूमत संभाला, जब उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव बने, उस वक्त एक एक पाई का हिसाब है। आप कहीं से भी कोशिश करें देख लें, एक पाई का आपको इधर से इधर हेरा फेरे या करप्शन का आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो अकाउंट फ्रीज करें या अपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। आदमी की इमेज और उसकी सच्चाई पे सारी कौम जो है कुर्बान है। जी, हम वही मैंने कहा कि करप्शन की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि नेचुरली अगर करप्शन होती तो अब तक बाहर निकल चुकी होती। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत में जो भी हुकूमत चाह रही है, क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब आराम से निकल सकते हैं इस चुंगल से, या फिर ये कि वो पाकिस्तान में बैठकर लड़ेंगे पूरा अपना? देखें डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने ज़रा भी उनके दिल में बुजदिलाना वो होता, वो कभी ना जाते मुकलम। वो तो एक शेर किस्म का आदमी है, वो तो किसी से डरते ही नहीं, वो इसी वजह से वो गए वहाँ पे। वो चाहे, लेकिन वो मशहूरी तो अब यही है कि डर गया डर गया। नहीं नहीं, ये तो ये लोग कमांडो था और डर गया। नहीं नहीं, वो कहाँ डरेंगे, अगर उन्हें डरना तो जाते ही क्यों, वो तो गए ही सब फेस करने के लिए। और ये वो लोग कह रहे हैं जो खुद बुजदिल हैं, शेर पसंद, ये शर पसंद तंजीम के गुंडे जिन्होंने मुल्क को लूटा पिछले 30-40 साल में, देख लें क्या इन लोगों ने किया मुल्क का। और मुशर्रफ साहब का रिकॉर्ड देख लें, जो उनके 8-9 साल दौर में जो उन्होंने नया इमेज, नया आउटलुक दिया पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की करेंसी को बरकरार रखा, जिन्होंने इतना अच्छा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक खास बैलेंस रखा। 9 साल मिले थे, 9 साल में अगर वो कुछ नहीं कर सके तो अब ये चाह रहे हैं कि मैं, जिस तरह उन्होंने इरादा किया था कि मैं चला जाऊं पाकिस्तान में, इस वक्त ज़रूरत है किसी लीडर की पाकिस्तान में, तो मैं फटाफट चला जाऊं, और फिर वो समझ रहे थे कि मैं लीड करूंगा और हो सकता है कि पाकिस्तान को नई जो एक सुबह का इंतज़ार है तो वो मैं दे सकूँगा। तो जहाँ 9 साल में वो ना दे सके, तो आप क्या समझते हैं कि वो अब आकर इस एज में, इस इन हालात में वो क्या पाकिस्तान को देंगे? देखें, कौमों की तकदीरें 1-2 दिन या ये बरसों लगते हैं। उनके अगर आप देख लें, उनके दौर में जो काम हुए हैं, जो पिछले 60 साल में नहीं हुए, उनके दौर में जो कुछ हुआ है, चाहे वो एजुकेशन ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, आप रोडों के वो ले लें, मोटरवेज ले लें, आप गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के रिकॉर्ड देख लें, जो और सिर्फ वहीं नहीं, कराची में देख लें, फैसलाबाद में, लाहौर, जितना काम उनके दौर में हुआ पिछले 60 साल में नहीं हुआ। और बड़े मज़े की बात ये कि इन कामों के लिए उन्होंने बाहर से किसी किस्म की इस तरह की झोली नहीं फैलाया, कशकोल उन्होंने तोड़ दिया था। ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने कशकोल हमेशा के लिए तोड़ दिया था कि हमें नहीं चाहिए, हम खुद अपने पांव पे खड़े हैं। ये चीज़ जो है ना, इनसे ये नहीं हो रहा है। अब ये परेशान है, उनका रिकॉर्ड देख लें, जो उन्होंने जिस तरफ ले चले थे वो बड़ा आला बहुत ही अच्छा वक्त गया पाकिस्तान के लिए, चाहे वो गुर्बत का हो, मिटाने का अच्छा हो, एजुकेशन तो हो। वो तो काफ लीग के साथ चल रहे थे, तो वो फिर क्यों नहीं जीते? काफ लीग को तो मुश्किल से 1-2 सीटें मिली थी। अगर इस कदर बहारें थी, इस कदर शानदार वक्त उनका था और लोग सुनहरी हरूफों में अगर लिखेंगे, तो फिर अगर ऐसी बात थी तो उनके बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई है काफ लीग की, तो वो किस तरह हो गई थी? काफ लीग इनके साथ नहीं थे, दरअसल आवामी मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को इलेक्शन में 4 जगह से मुशर्रफ साहब ने नहीं, मैं बात कर रही हूँ 2007 की, जब इनके जब ये थे उस वक्त इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त तो काफ लीग इनके साथ चल रही थी ना, पूरे 9 साल चली है ना इन्होंने, जो इधर उधर से मिला के भानमती ने कुनबा जोड़ा, कुछ यहाँ से जोड़ा, कुछ वहाँ से तोड़ा, तो वो वाली बात कर रहे हैं कि अगर उन्होंने इतने सारे लोग मिला के एक लीग बना ही ली थी तो उनको क्यों नहीं कामयाबी मिली थी? अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी तरक्की उन्होंने की और उन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया, बदकिस्मती से एक हादसा हुआ, आपको याद होगा रावल पिंडी में बेनजीर साहिबा शहीद हुई, वो सारा उस पर जो है ना वो रुख मुड़ गया, और ये एक बहुत बड़ा हादसा था पाकिस्तान के लिए, एक इतने बड़े अजीम लीडर का चले जाना और उस पर उसको कोई असर ना हो, ये आप अनथिंकेबल, हम सोच नहीं सकते थे कि वो इतनी जल्दी वो यहाँ से चले जाएंगी, इस दुनिया से रुख सक जाएंगे, तो उसके वजह से हमें बड़ा सेटबैक हुआ। और सबसे ज्यादा बाज लोग तो मुशर्रफ पे इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने उन बेबी को शहीद किया, ऐसा हरगिज़ नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान उन्होंने उठाया इस चीज पे अगर देखा जाए तो दूध किसने
तो उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान हुआ उनके दूध जाने किसने के पिया, क्योंकि कहते तो ये हैं कि वो बिल्ला दूध पी गया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि वो तो उनके खैरख्वाह थे, उनके पाकिस्तान के वो खैरख्वाह हैं, अवाम के खैरख्वाह हैं, और कभी भी मौका मिला और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उनको मौका मिलेगा फिर दोबारा से वो दौर वो ले आएंगे जहाँ पे गुर्बत का खात्मा होगा, एजुकेशन आम होगी। भी आपको लगता है कि उनको मौका मिलेगा? मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस आएंगे और सियासत में दोबारा वो पूरी की पूरी। वैसे शाबाशी है APML की पॉजिटिव थिंकिंग की, वरना जो हालात बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि उनको अपनी ही जान का खतरा है, और वो जिस तरह लोग कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को छुपा रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि इन चीज़ों से आराम से निकल जाएं, कोई बाहर की हुकूमत आए और असरअंदाज हो और उनको ले जाए। नहीं, जान जहाँ तक जान का खतरा, वो फौजी थे, हमेशा से फौजी रहे, जान के खतरों तो वो आपको पता है वो हाथ पे लेके हमेशा वो सरहदों पर गए हैं, जंगें लड़ी हैं, 4 जंग लड़ी, तो उसकी तो मसले नहीं। हाँ, बीमारी और देखें हम अच्छे लोग 40 के बाद ये हार्ट अटैक का होना, ये होना कोई मामूली सी बात है, लोग अच्छे भले जो है ना हो जाते हैं, तो ये चेकअप के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर एक्शन एंजाइना होना ये तो होता रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एज भी है, तो मैं नहीं समझता, लेकिन मैं उनको अभी भी उसी तरह से यंग और उसी तरह से ताकत और उसी तरह से परफॉर्मिंग लीडर समझता हूँ, और मैं मुझे यकीन है कि दोबारा वो इलेक्शन में आएंगे और हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान की तकरीर बदलेंगे। इस वक्त एक वाहिद लीडर हैं जो वो कर सकते हैं, जो पूरे कौम को इकट्ठा कर सकते हैं, पूरे कौम को एक नया इमेज दे सकते हैं, नया आउटलुक दे सकते हैं, और इसी तरह से एजुकेशन को आम करके इस कौम को आगे लेके बढ़ सकते हैं, और वाहिद 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 वो शख्स नज़र आ रहा है अभी, और कोई नहीं है, बाकी सब करप्ट हैं, लोग आएंगे पैसे बनाएंगे चले जाएंगे, लेकिन इनका जो है कि वो यहीं वहीं रहेंगे और वहीं से वो उन्होंने वकीलों ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। अब मशवरा दिया है ये वकील, उनके वकील तो खैर काफ़ी अच्छे, क्योंकि उन्होंने मशवरा अच्छा दिया कि कार अदालत की तरफ जाने के बजाय हॉस्पिटल की तरफ ले चलते हैं, तो उनका मशवरा बड़ा कामयाब था और एक्सपेक्टेड था, इन अदर वर्ड्स एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ ड्रामा होना चाहिए, तो वो हुआ ड्रामा, लेकिन चलें अगर वो बीमार हैं नहीं हैं जैसी भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, अगर वो बीमार हैं तो हम चाहेंगे कि जल्द सेहतयाब, बिल्कुल सेहतयाब हों। लेकिन एक और क्वेश्चन इसमें से उभरता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो बीमार नहीं हैं और उनके सारे टेस्ट सही आते हैं और बाहर के मुल्क में जिस तरह उन्होंने भेजे हैं लेबॉरेटरी टेस्ट ये वो सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहे हैं वो सब सही आते हैं, तो फिर आप वैसे ही उनको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी? जी हाँ, रेस्ट करने की ज़रूरत होगी, मैं समझता हूँ। कितना नहीं, बात दो तीन साल? नहीं नहीं, इतना भी नहीं, चंद हफ्ते मैं कहूँगा और एक महीने दो महीने, और उनको मेरे ख्याल से आज़ादी मिलनी चाहिए बाहर आने की भी, ताकि अपनी वालदा से मिले, दुबई में जाके माँ से मिलता है ज़रा इंसान को, तो जी, बिल्कुल, तो ये जो पाबंदी बहुत दफ़ा कहा है कि उनकी वालदा 97 की हैं, वो उनको ज़रा मिलना चाहिए, तो ये पाबंदी हटा ली जाए उनको, ताकि वो ज़रा आज़ादी से बाहर आ जा सकें, उसके बाद उनकी जो एग्जिट लिस्ट में उनका नाम है उनको हटा लिया जाए, तो आज़ादी देंगे उनको, काफ़ी बेहतर वो फील करेंगे, अपनी माँ से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने सपोर्टरों से मिलेंगे, वो वापस वो जवान है, वो तो हैं ही जवान, ऐसी तो कोई बात नहीं, तो मैं तो उनको समझता हूँ कि ही विल बी बैक फुल स्विंग, ही इज स्टिल अ यंग चैप। यस, तो हमने एक और पूछ लेते हैं आपसे सवाल कि APML कितनी मजबूत बनेगी अगर फ़र्ज़ करें कि वो इन सब चीज़ों से निकल आते हैं और बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तूफान मचा देगी, एक सुनामी ले आएगी, एक इनकलाब ले आएगी, क्या करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि APML अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, आपने देखा पिछले जब दो चार लोग तो थे इलेक्शन में, जब वो लेना चाह रहे थे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, आपने देखा कि ये जबरदस्ती उनको चार जगह से उन्होंने 62 और 63 पे पूरे नहीं उतरते, बहरहाल जो कुछ भी बहाने बनाए उनको इलेक्शन में नहीं हिस्सा लेने दिया गया, लेकिन मुझे यकीन है कि किसी जगह से भी चारों जगह से अगर होते तो वो लैंडस्लाइड करते पूरी, वो तो कर लेते। हाँ, फिर हम ख्याल लोग हैं जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो भी, मतलब थाली के बैंगन जितने हैं वो आ जाते, ईमानदार जितने ऑनेस्ट जो पाकिस्तान को तरक्याफ्त देखना चाहते हैं, जो तालीम आम देखने, जो गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, जो एक पीसफुल पीस कंट्री देखना चाहते हैं, वो इनके साथ होते तो ये सारे मिल के वो अच्छी कर सकते। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि सब के सब चले गए हैं इमरान खान की तरफ, जो एक्चुअली इनके पास आने थे
वो गलती से उधर चले गए सारे। पिछली दफ़ा मैंने आपसे आपके प्रोग्राम में मैंने मशवरा दिया था, यहाँ पे राबिया थी, शायद आपको याद होगा कि इमरान राबिया खान तो खुद थाली का बैंगन है, वो तो अब नून लीग में चली गई है। चले गए, लेकिन मैंने तो मशवरा उनको यही दिया था कि इमरान खान और जिस तरह से मुशरफ साहब जितने, ये जो हम ख्याल जो 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 नॉन करप्ट किस्म के जितने लोग, इन लोगों को मिलकर एक मतलब एक पार्टी तले अगर जमा हो तो ये अच्छा काम कर सकते हैं मुल्क के लिए भी, आवाम के लिए भी, और ये एक अच्छा रिजल्ट देगा। अभी भी वक्त है इन लोगों के लिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये चाहें तो इकट्ठे होके एक पावरफुल पार्टी बन सकती है। तो ये छोड़ दें या वो छोड़ दें अपनी पार्टी? नहीं, ये तो देखें सीनियर मोस्ट हैं, 10 साल हुक्मरान रहे हैं, 10 साल लीडरशिप है, वर्ल्ड में इनका एक मकाम है, पूरी दुनिया में ये एक बाकायदा नेगोशिएट कर चुके हैं, चाहे वो सऊदी तो हुकूमत हो, अमेरिका की वो हुकूमत भी हो। लीडर बन के उभरे हैं, वो भी अपनी क्रिकेट टीम को उन्होंने भी वर्ल्ड कप दिलाया था, फिर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया है, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, फिर लाखों अफराद उनके पीछे हैं, तो वो भी तो कोई नहीं, मुकाम लेकिन अगर रखते हैं। आप देख लें, अगर सीटों का वो देख लें, अगर काश ये अगर साथ होते तो उनकी पोजीशन अच्छी होती। अच्छा। ये यही मैंने राबिया को भी मशवरा दिया था, काश ये लोग सुनते तो बेहतर था, लेकिन लोगों ने अपना अपना इलेक्शन लड़ा इस तरह से कि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा। हालांकि अगर ये साथ रहते, सारे वो जमात जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी हो तो और आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में तीन जमातें हों सिर्फ, एक नून लीग होगी, एक पीपल्स पार्टी होगी, और तीसरी एक सब मिलकर एक जमात बना लें, आप ये चाहते हैं? ये हो सकता है, एक मुमकिन है, तो लेकिन तीन लेकिन जमातें सबकी नहीं होनी चाहिए, सोच जमातें और भी हों, लेकिन मतलब हम ख्याल ग्रुप के एक अच्छी खासी तादाद है जो एक एक ताकत होनी ताकत। चाहिए जी ताकि हाँ, वो दो जी हाँ, पार्टियों को हरा सके। जी हाँ, जी हाँ, तो जी ये किस तरह हो सकता है? मुमकिन? ये नामुमकिन है, क्योंकि हर एक अपने अपने दिमाग को लेके घूम रहा है, हर एक का अपना अपना तरीका है, हर एक का अपना अपना। नहीं, लीडरशिप का फर्क नहीं, यहाँ पे आप लीडरशिप को आज़ादी दें, आज़ादी से मिलने जुलने की। देखें ना, आपने इनको कन्फाइन कर दिया हुआ इस्लामाबाद के एक जगह पे, आप जाने मिलने की इजाज़त नहीं है, किसी बात करने की इजाज़त नहीं है, फ़ोन नहीं सुन सकते, ये सारी पाबंदियाँ आप हटा दें, आप आज़ादाना लोगों को मिलने जुलने दें, हम ख्याल लोग इकट्ठे होंगे और ये एक ताकतवर पार्टी बनेगी और आप देखेंगे कि दोबारा ये वापस आवाम के दरमियान आएंगे और इस चीज़ को लेके आगे अच्छा, बढ़ेंगे। तो काफ लीग जो है वो वापस आ जाएगी इनके मैं पास? समझता हूँ कि काफ़ली के बड़े अच्छे लोग, ईमानदार लोग इसमें आ सकते हैं, इमरान खान के अच्छे लोग इसमें आ सकते हैं, इस पार्टी में अभी जान बहुत है, जान है, और अगर इनको आज़ादी अगर लोग दें, कहाँ हैं, इस पार्टी के लोग किधर हैं, कहाँ ढूंढे इन्हें, नहीं लोग हैं वहाँ पे बड़े कहाँ हैं, सपोर्टर हैं, आप मैं झंग गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, लाहौर गया हूँ, हैं कराची वहाँ गया हूँ, कहीं ना कहीं बैठे हैं कुछ ना बिल्कुल कुछ। लोग, हर कोई आज तो हर कोई यही कहता है कि इनका दौर फिर भी बेहतर था, चाहे वो अमन ले लें, चाहे एम्प्लॉयमेंट ले लें, चाहे आप एजुकेशन ले लें, कम से कम इतनी अंधी नगरी नहीं थी जो आज आप देख रहे हैं, समझे कि नहीं, लॉलेसनेस में, और पाकिस्तान का वक़ार इंटरनेशनली बहुत अच्छा आपने देखा होगा इनके वक्त में, ये चीज़ें लोग देख रहे हैं और वो आम कह रहे हैं, मैं फिर चुका हूँ। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त, आप सही कह रहे हैं, खैर कि बहुत तरक्की थी और जीडीपी था, फलां था, ये था, वो था, सब कुछ ठीक है, डॉलर को देख लें, एक लेकिन मुस्तहकम 60 रुपये में रखा 5 साल तक, ये बहुत बड़ी बात है। आप कराची स्टॉक एक्सचेंज देख लें, इन्होंने 8-9 साल में जो इन्होंने किया, और दूसरे कमर्शियली जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इन्होंने आज तक ये रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लें। हमने कशकोल, मुशरफ साहब ने कहा हमें इसकी ज़रूरत नहीं, अब हम खुद वो करेंगे, 4-4 3-3 ट्रिलियन रुपये लेकिन इनके उन पर बजट ये पे होता था। बिल्कुल सही कि सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, उन पर इल्ज़ाम था कि वो अमेरिका के पिट्ठू कह लें, अमेरिका के पिट्ठू थे, या अमेरिका की सुनते बहुत थे, या उनको पसंद बहुत था अमेरिका, क्या वजह थी, क्या सिर्फ था? और सिर्फ वो पाकिस्तान की सुनते थे, अच्छा, और किसी सबसे के बारे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान उनका ये, और सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अपने सामने रखते थे, और यही वजह है कि आप अगर जाके देख लें वॉशिंगटन में वो कैसे मिलते थे दूसरे तमाम वर्ल्ड के लीडर से, और आजकल के हमारे शर्म आती है हमारे लीडर कैसे उनके सामने झुके होते हैं, और मुशर्रफ आंखों में आंखें डालकर बात करता था। और इसी तरह आप तरक्की कर सकते हैं जब आप अपने आप को इस काबिल समझें कि हाँ हम दूसरों के तो मुकाबले जब में। वो टेलीफोन कॉल आई थी, तो क्या उस वक्त आंखों पे आंखें डाली हुई थी, या थोड़ा सा झुके थे? देखें डॉक्टर के साहब, सही ये बात बताएं नहीं आपको नहीं देखें, कि ये वाकई एक खड़े हो गए थे तन के देखें देखें 9/11 एक थोड़े से। ऐसा वाकया था जिसमें किसी ने एक्शन लेना, और किसी पार्टी से आप ले लें, इवन इमरान खान से भी पूछें, इवन नवाज, सबका कहना यही है कि हमारा भी फैसला यही होता,
जो मुशर्रफ साहब ने लेकिन फैसला लिया। आपने बहुत अच्छी बात की कि वाकई कोई भी लीडर होता तो उसको मानना पड़ता, लेकिन एक और बात आपको अंदर की बताती हूँ कि अगर ये लीडर होते, सही के लीडर होते, तो उस वक्त इनके पास चांस था कि वो अपनी अपनी कंडीशंस पर उनकी बात मानते। सबसे बड़ी गलती मुशर्रफ ने ये की कि कोई कंडीशंस नहीं लगाई और सिर्फ बात मानी। नहीं, उस वक्त हालात ऐसे थे कि वो कुछ भी कंडीशंस पे, अपनी कंडीशंस पे बात मनवा सकते नहीं, थे। पूरी कंडीशंस इन्हीं की थी। अच्छा, इनको रूट दिया गया कहाँ कहाँ से आप जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से आपको ममानत है, कहाँ कहाँ से आप नहीं जा सकते, कहाँ कहाँ से आप बॉम्बिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पूरी अपने कंडीशन के साथ इन्होंने बाकायदा हर चार्जेस, जहाँ से नेटवर्क की सप्लाई जाती है, चार्जेस कितनी हुकूमत को जाएगी, ये सब कुछ इनकी कंडीशन थी, इनको करना था, वरना दूसरे पड़ोसी मुल्कों ने भी उनको वही वो दिए, इन्होंने खुद अपना लोहा मनवाया नेगोशिएशन। बात यह है कि किसी से भी पूछ रहे, इवन नवाज शरीफ ने खुद कहा कि हमारा भी यही फैसला होता जो इन्होंने किया, तो बात तो वही है, इन्होंने तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो मद्दे रखा और उनको सबसे आगे रखा, सबसे पहले पाकिस्तान के उन्होंने ये फैसले किए, जो भी फैसले किए। अब ये चेंज क्यों होता जा रहा है उनका, सबसे पहले पाकिस्तान को सबसे पहले मुशर्रफ, चेंज क्यों हो गया ये? नहीं, अभी भी उनका स्लोगन यही है कि सबसे पहले पाकिस्तान, और उसी और चूंकि मुशर्रफ साहब ने ये स्लोगन शुरू किया था तो उनसे ये मुंसलिक है, लेकिन अभी भी यही है स्लोगन कि सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, जो भी काम करे सबसे पहले मुशर्रफ का नहीं लगता आपको कि हो गया? सबसे पहले पाकिस्तान, और चूंकि मुशर्रफ साहब ने ये नारा लगाया था और सारे APML के और पाकिस्तान जितने मोहम्मद सब यही, सबसे पहले पाकिस्तान, जो भी काम करें आप देख लें इसमें पाकिस्तान का फायदा है या नहीं। ठीक, तो नाज़रीन हम एक लेते हैं छोटा सा वक्फा और उसके बाद आपके टेलीफोन कॉल्स भी शामिल करते हैं और फिर हम बात करते हैं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथ हमारे साथ हैं आदम गयासुद्दीन साहब जो कि सीनियर मेंबर हैं APML के। हम पहले कॉलर से बात कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान असलम बात कर रहा हूँ। जी इमरान असलम कहिए। डॉक्टर साहब पे जितने भी ना ये मुशर्रफ साहब के जो पार्टी के मेंबर्स हैं UK के अंदर, जी ठीक है, इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि इन्होंने किस बंदे ने, किस ग्रुप ने मशवरा दिया कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस जाए। अच्छा, तो वापस के साथ थे जी। ये बेचारे मुशर्रफ साहब को तो फंसा गए पाकिस्तान, ये आ गए आप ही सब लोग ही लंदन वापस आ गए, ये लोग क्यों नहीं मुशर्रफ साहब के साथ रहे पाकिस्तान, सबसे पहला ये सवाल है। ये अपने आप को वर्कर्स कहते हैं, ये किस तरह के वर्कर्स है? लंदन में ये लोग बैठे हैं, इनके वर्कर्स वो मुशर्रफ साहब वहां खजर हो रहे हैं। ये कोई पार्टी है? ये 20-25 लोगों की पार्टी है। मुशर्रफ साहब की फेसबुक साइट चेक करें, वहां उनकी लाइकिंग है कोई 1 मिलियन लोगों की लाइक है। मुशर्रफ साहब ये सोच रहे थे मैं पाकिस्तान जाऊंगा मुझे 1 मिलियन बंदा लेने आएगा, ये किस तरह के एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है? राम से लंदन में वो एजवे रोड में हाइट पार्क में थोड़ा फेरा थे, आगे बेचारे फंसा के इनको आ गए। ये साजिश है इन वर्कर्स की। ठीक है, हम एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। जी हेलो, आप टीवी की आवाज हल्की कर लीजिए। जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इतनी देर से होल्ड पे थे, मैं तो भूल ही गई हूँ मुझे क्या कहना। अच्छा, लेकिन बस कहना क्या, आप लोग बातें कर रहे थे तो बस दुख के लिए फोन किया है। अफसोस होता है हमारे मुल्क के हालात देख के, और हम तो जैसे फरिश्तों की पॉलिटिकल, जैसे हम दुनिया पाकिस्तान में ऐसा लगता है सारे फरिश्ते हैं और एक मुशर्रफ साहब गद्दार हैं। गुस्से में ही रहते हैं हम लोग यहाँ पे बैरून मुल्क में, हम सब डॉक्टर्स कम्युनिटी है। इतनी सी मुझे याद है कि छोटे होते थे जब वो आए थे, यहाँ आ गई मैं, और जब हमारे बच्चे हैं हम जाना चाहते हैं, वो एक टाइम था 2007 जब यहाँ से सब लोग जाना चाहते थे, कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ खत्म हो गया। अब ये है कि सारे मामलों से उनको निकाल दिया, तो अब वो गद्दार भी हैं, बाकी सारे फरिश्ते हैं बस वही ये गद्दार हैं। अलमिया है हमारे मुल्क का, हम लोग भूल जाते हैं, अपना पास भूल जाते हैं, हर बुरा वक्त भूल जाते हैं, अच्छा वक्त हमें रास नहीं आता। 4-5 साल पाकिस्तानियों ने अच्छे से गुजारे थे, मुशर्रफ साहब में से कीड़े निकालना शुरू कर दिए, तो ये तो होना था। बहुत शुक्रिया, एक और कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं स्वीडन से अब्दुल क्यों बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बात करूंगा कि पहली बात यह है कि अगर मुशर्रफ साहब फर्ज करो बीमार नहीं थे तो ये तो बात आपको माननी पड़ेगी कि आपके आर्मी हेडक्वार्टर ने, GHQ ने उनको कैसे अच्छे तरीके से कवर किया कि कोई उधर जा नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता,
और बाहर अच्छी खासी फौज लगाई हुई है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। लोगों को इसका जवाब तो मिल गया है कि फौज मुशर्रफ साहब के साथ थी और है। नंबर टू देखें, अभी हमें हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के साथ ज्यादती हो रही है। अगर आपने सारा केस दोहराना है तो फिर पुराने जिसमें कियानी साहब भी आते हैं, ये सारे पॉलिटिशियंस भी आते हैं, एमक्यूएम भी आती है जिन्होंने हुकूमत, सबको शामिल करो, सभी शामिल थे तभी वो 8 साल हुकूमत करके चले गए ना, एक बंदा तो नहीं थे अकेले। अभी उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, हम उनके साथ इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। बाकी जहां तक मुशर्रफ साहब के, इनके जो अभी वहां पे आपके मेहमान बैठे हैं वो कह रहे हैं जी कि नेक्स्ट फिर आ जाएंगे, इसमें कोई चांस नहीं है। ये मैं मानता हूं कि मुशर्रफ साहब को बहुत बड़ा चांस मिला था 8 साल 9 साल, अभी इनका नेक्स्ट कोई चांस नहीं है। लेकिन जो उनके साथ ज्यादती हो रही है हम उसके ऊपर फाइट कर रहे हैं, और ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आर्मी उनको फुल सपोर्ट कर रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अली चौहान बात कर रहा हूँ जी। और आपका प्रोग्राम देखा ना, बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। आदम गयासुद्दीन साहब ने माशाल्लाह काफी असिस्ट किया आपको। दो तीन चीजें मैं इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा आपकी, आपके जो सवाल थे उसमें मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो ये कि जब आपने कहा कि मुशर्रफ साहब एकदम लेट गए एक फोन कॉल आने से, ऐसा नहीं था। 126 आप देखें कि पूरी यूनाइटेड नेशन का पूरा मैंडेट था अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, यूनाइटेड नेशंस का, और नेटो कंट्रीज को फुल इख्तियार था कि वो कुछ भी कर सकते थे अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। और ऐसे मौके पे मुशर्रफ साहब ने पूरी दुनिया में कंसल्ट किया, इस्लामिक मुमालिक से राबता किया, और इस वक्त की जो लीडरशिप है, पोलिटिकल लीडरशिप, जिसमें उस वक्त की जो पोलिटिकल लीडरशिप थी, जिसमें आप देखेंगे इमरान खान साहब थे, जमात इस्लामी थी, सबसे रुआबत करके ये डिसीजन मेक किया उन्होंने कि ही विल सपोर्ट यूनाइटेड नेशंस मैंडेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब आप उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि आप जो है ना निगोशिएट करते कोई अच्छी जगह पे जाके, जब आपको पूरा इंटरनेशनल प्रेशर है, तो आई थिंक ही डिड अ ग्रेट जॉब। और पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासी जो पार्टियां थी वो सारी इनके साथ थी। इन्होंने 2007 तक ये बात किसी ने नहीं की। जब मुशर्रफ साहब ने ऑफिस छोड़ा तो फिर ऐसी बातें करनी शुरू की, ये एक फोन कॉल पे जनरल जो था वो लेट गया था, उससे पहले तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की, ना इमरान खान साहब ने की, ना उसने की, जमात इस्लामी ने की, किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू जी। आदम साहब, बहुत सारे सवाल लोगों के। और पहली बात तो यह है कि जिस तरह से चौहान साहब ने कहा कि वो एक फोन पे कॉल पे लेके, ऐसा नहीं था। इन्होंने अपने लोहा मनवाया, अपनी कंडीशन रखी, उनको इजाजत दी और कहाँ तक कर जा सकते थे। देखिए ना, सबसे पहले पाकिस्तान पे जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अटैक हुआ पाकिस्तान पे बिल क्लिंटन के दौर में, तो मुशर्रफ साहब ने उनको कहा कि पाकिस्तान के फौज की इजाजत के बगैर आप यहाँ नहीं आओगे, और जो कुछ भी करोगे, जो भी हमला होगा, पाकिस्तान के अवाम फौज से पूछ कर होगा। एक कंडीशन उन्होंने दी, इस तरह के बहुत सारे कंडीशन दी, फिर जाके उनको आने दिया गया। ये नेटो सप्लाई लाइन भी आने दिया गया, और उसमें भी उनको बाकायदा माफ देना पड़ता है, ऐसे मुफ्त में नहीं देते। वो पाकिस्तान की तरफ वो करना तो था उन्होंने, अगर हम ना रास्ता देते तो दूसरे पड़ोसी मुल्क दे देते वो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारे फैसले किए, और सब ने यही उनसे इत्तेफाक किया कि हाँ, जो उन्होंने फैसले किए हम भी वही करते। अब ये है कि अगर वो पैसे और वो हुकूमत ने पाकिस्तान अवाम के बेहतरी के लिए लगाए तो बहुत अच्छी बात, जो ये वो करते थे, लेकिन इन लोगों ने उसको नहीं किया, उसको कंटिन्यू नहीं रखा, इस वजह से हमें नुकसान हो रहे हैं। और अच्छा। मैं समझता हूँ कि जितना जल्दी मतलब है कि उसकी उनकी पॉलिसियों को अपनाया जाए, उससे आवाम को फायदा ही होगा इसमें। तो थोड़ी सी और कॉलर्स ले लेते हैं। जी हेलो, डॉक्टर साहबा, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। सिराजुद्दीन मुगल बोल रहा हूँ नॉटिंघम से। जी फरमाइए डॉक्टर साहबा, आपके मेहमान परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के कारनामे बयान कर रहे थे। जी। एक दो बातें ये भूल गए हैं जो मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ। पाकिस्तान
अफगानिस्तान के साथ हमारा 1600-1700 मील लंबा महफूज तरीन जो बॉर्डर था वो परवेज मुशर्रफ साहिब की गलत पॉलिसीज की वजह से वो गैर महफूज हुआ और 1.5-2 लाख हमारी फौज जो है वो वहां पर इस वक्त दलदल में फंसी हुई है। आपके मेहमान को मेरी राय है कि कालिन पावल की भी किताब पढ़ें और रिसेंटली जो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के एक जनरल शाहिद अजीज साहब रिटायर हुए हैं कुछ अरसा पहले, उन्होंने एक किताब लिखी है ये खामोशी क्यों। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि वो किताब भी जरूर पढ़ें। हमारे मुआशरा में डॉक्टर साहिबा खाकी वर्दी को दुलेरी बहादुरी और शुजात की अलामत समझा जाता है जिसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। और ये चार जंगें लड़ने वाले हमारे जनरल साहिब को जिस वक्त जेल की सलाखें नजर आनी शुरू हुई तो उनकी चीखें निकल गईं। असल बात क्या है कि उनके वकला ने उनको बता दिया हुआ है कि आपका जो केस है वो बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल आप जो है उसमें बचत नहीं है। मैं समझता हूँ परवेज मुशर्रफ साहिब ने अपने आप को डरपोक और बुजदिल साबित करके इस जी जी थैंक यू सो मच। वकीलों ने शायद आपके साथ डिस्कस किया होगा वरना वकील वैसे डिस्कस नहीं करते अपने केस को। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत एक बात की थी कि 9 साल तक मुशर्रफ साहब ने कुछ नहीं किया तो अब इन्होंने इस उम्र में क्या करना है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर ये 18 साल भी हुकूमत करते ना लेकिन इसकी बुनियाद जो है ना वो खून खराबा की थी और ये बैक डोर से आए थे मुशर्रफ साहब, तो ये 18-20 साल भी अगर ये ऐसे काम करते ना तो लोग इनको पसंद नहीं करते। ये जब पाकिस्तान दोबारा तशरीफ आए तो ये समझे थे कि कराची में पूरा पाकिस्तान 18 करोड़ आवाम इन फूलों के हार लेके खड़ी होगी और ये जो है ना ये बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं माजरत के साथ एक बात कहता चलूं कि सैकड़ों लोग भी वहां मौजूद नहीं थे और अब इन्होंने जो ये हॉस्पिटल में तो दो ये कसूरी साहब ने ये कहा था कि दर्जनों के हिसाब से लोग फूल के तोहफे लेकर आ रहे हैं। अगर तो ऐसा होता तो दर्जनों के हिसाब से लोग नहीं आते, हजारों नहीं आते, लाखों के हिसाब से लोग आते। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया मुल्क के साथ वो गलत किया। 2/3 मेजोरिटी के वजीर आजम को घर भेजा और इन्होंने बंदूक की नोक के ऊपर ये हुकूमत की और रेफरेंडम को भी इन्होंने ऐसे ही किया जो जब इन्होंने रेफरेंडम कराया और लोगों ने कोई बिल्कुल इनका साथ नहीं दिया। तो ये जो साहब आके यहाँ बैठे हुए हैं मुशर्रफ साहब का ये मिलिट्री की बातें कर रहे हैं कि मिलिट्री की आप बात नहीं करें। एक आदमी जो है ना वो करप्ट था, वो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चल रहा है, वो तो मुक्के लहरा लहरा के कहता था कि मैं जो हूँ मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं कमांडर। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अभी हम कॉलर से बात करते हैं, पहले आपसे आदम साहब ये पूछ लें कि हर एक ये बात कर रहा है कि वो बहुत ही पॉपुलर अपने आप को समझते थे तो क्या गलती लगी थी उनको जो वो कराची आए और कोई उनको लेने नहीं आया, ये क्यों कह रहे हैं? ये सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग आके बार दफा टाइमिंग चेंज की गई और बहुत सारे लोग वापस आके वापस चले गए और ये एक आप अगर पाकिस्तान की सियासत को समझे और वहाँ के हालात को देखें आपको मालूम सिक्योरिटी जो है ना वहाँ पे सही नहीं था। इस वजह से बहुत सारे पुलिस वालों ने लोगों को आने नहीं दिया, बहुत सारे लोग वापस सिंध से आके चले गए थे और मैं समझती हूँ कि सिक्योरिटी का इशू था वरना उनको चाहने वाले बहुत हैं, अभी भी वहाँ पे चाहने वाले बहुत हैं, उनका साथ देने वाले बहुत हैं। वो जानते हैं उनके दौर में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है और क्या कुछ किया उन्होंने, उनका ये सब ढकी छुपी नहीं है, हर एक पता है। हाँ, जहाँ तक कसूरी साहब का तारुक, वाकई लोग फूल यहाँ से लोगों ने फूल भेजे हैं। अब ये है कि वहाँ पे मैंने कहा ना उनका सिक्योरिटी बहुत सख्त है, आजादी के साथ लोग मिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये एक मुश्किल है और जो कि सिर्फ पाकिस्तान में हर जगह ये मसला। वो तो फौज कहते तो हैं कि फौज ने रोक दिए थे, लोग मिलना चाहते थे, जाना चाहते थे, लेकिन फौज ने अहाता किया हुआ है उस हॉस्पिटल का। हम मजीद कॉलर से बात कर लेते हैं। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए मैं मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ, सैयद आफताब मेरा नाम है। जी मैं ये
ये कहना चाहता हूँ कि मुशर्रफ साहब से यकीनन कुछ गलतियां हुई हैं, वो ब्लंडर्स उन्होंने की हैं, खुसूसन एनआरओ वगैरह में, लेकिन मुशर्रफ साहब के कारनामे भी बहुत हैं। आप इस वक्त बड़े मतलब हमारे लोग उछल रहे हैं, मतलब बड़ी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका के सामने सरेंडर कर गया। आप मुझे बताइए, जो मतलब 11th of September का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें पूरी दुनिया अमेरिका के साथ थी, अमेरिका सो कॉल्ड सुपर पावर है पूरी दुनिया, वो अगर हम लोग उसके मुखालफत में जाते हैं, हमारे उनका असल में टारगेट हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे, सारा उसको न्यूट्रलाइज करते थे। सुन रही हैं आप मेरी जी बात? जी हेलो जी, जी जी आपकी आवाज आ रही है जी। उस वक्त उनके पास पूरा वक्त था कि वो हर कुछ कर सकते। अच्छा, अभी हमें सोचने का मौका ही नहीं मिला था कि इंडिया ने अपने बेसिस ऑफर कर दिए थे। आप मुझे बताइए, अगर इंडिया ऑफर कर देता तो, अगर इंडिया की वो अमेरिकन अवेल कर लेते अपॉर्चुनिटी को, तो फिर हमें हमारी क्या पोजिशन होती। दूसरी बात, आप एक तरफ आइए कि अगर 1999 में आपके मुल्क की इकोनॉमी क्या थी, क्या हालत थी, 500 मिलियन आपके रिजर्व थे, आपने हमने देखा मुल्क को, नवाज शरीफ का जो माजी आप देखे, कितना वर्ष माजी था, हम लोग फॉरेनर्स से मतलब ओवरसीज पाकिस्तान हमारे पैसे उन्होंने कॉन्फिस्केट किए, क्या असर हुआ हम लोगों का। मुशर्रफ के जमाने में मुल्क की इकोनॉमी, आप यकीन कीजिए, 7-8% हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, हर पाकिस्तानी खुश था। आज आप कह रही मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं है, चंद अपॉर्चुनिस्ट जो है उसके पीछे लगे। बताइए, अभी मैं टीवी पे देख रहा था, 3 करोड़ अवाम सिंध के अंदर, आप नो मैटर कि आप किस पार्ट को लेते हैं कराची में, उसके फेवर में है, इतनी बड़ी मुल्क की आबादी। दूसरी बात, आप मुल्क के लोग जो हैं उनको आपकी ये नहीं चाहिए जिस तरीके से मुल्क रन हो रहा है, उनको चाहिए प्रॉस्पेरिटी चाहिए, उनको अपने मसाइल हल करने। इनके देखिए, जब से ये लोग आए हैं सिवाय क्राइसिस के दूसरी बात ही नहीं है, कभी गैस का, कभी मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉब्लम सी प्रॉब्लम, मुशर्रफ के दौर में तो ये नहीं था। हेलो, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपकी आवाज आई हमें और हमने सुन लिया। हम एक और कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर शकील आगा बोल रहा हूँ जी। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं सिर्फ 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये है कि बीइंग अ डॉक्टर, यू नो कि डॉक्टर होने के नाते कुछ एक्सपीरियंस के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि मुशर्रफ साहब को एंग्जाइटी न्यूरोसिस हुआ है जी। जो कि साइन सिम्टम्स वेरी क्लोज टू हार्ट अटैक होते हैं, जिसको उन्होंने सिमिलरली वो रिजेंबल करके और उनको इस लेवल पर ले गए कि जी हार्ट अटैक हुआ। इनफैक्ट दैट इज नॉट ट्रू। सेकंड ये है कि मुशर्रफ साहब पाकिस्तान इसलिए गए थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये जो नून लीग है या नवाज शरीफ पार्टी है ये पावर में आ जाएगी। तीसरी बात ये है कि ये जो मुशर्रफ साहब के जो एज ए डिक्टेटर हम कंसिडर करते हैं, उनमें गुड एस्पेक्ट्स भी हैं, बैड भी हैं, कुछ उनकी जो गलतियां हैं जिसमें मुफ्ती साहब का मर्डर है या कुछ अदर इश्यूज हैं, लेकिन देखा जाए तो जो अब डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं उनमें भी तो डिक्टेटर्स हैं, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये है कि ये सारा एक मोनोपोलाइज किया हुआ है, जहां तक आर्मी का है उनका बड़ा एरोगेंट स्टाइल रहा है थ्रू आउट इन पाकिस्तान की जो हिस्ट्री में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई हैव स्टडीड इन आर्मी स्कूल, तो उनका ये होता था कि हमेशा वो अपने आप को सुपीरियर क्लास समझते थे और वो सिविलियंस को हमेशा इंफीरियर समझते थे। अगर सिविलियंस लीडर्स को इन्होंने ट्रीट किया है डेमोक्रेटिक वे से, तो वाई नॉट मुशर्रफ साहब को भी इसी तरह ट्रीट किया जाए। जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये है कि हम बदकिस्मती से हम पाकिस्तान अभी तक आजाद नहीं है, और जहां तक ये लीडर्स का ताल्लुक है, चाहे वो सिविलियंस हो या आर्मी के हों, दे हैव अपर क्लास, उनमें कोई फर्क नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल आर सफरिंग, पाकिस्तानी इकोनॉमी सफरिंग, पाकिस्तानी पीपल आर सफरिंग। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक और कॉलर से बात कर लेते हैं जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, ये हम सब मुशर्रफ साहब की सेहत के लिए दुआगो हैं, अल्लाह मियां उनको मुकम्मल सेहत दे। लेकिन जहाँ तक उनके दोबारा पाकिस्तान में की पॉलिटिक्स में आने की बात है, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। अब उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो चुका है, बस अब हम उनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं।
अच्छा। और ये जो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये उर्दू बोलने वाले सूबे का बयान दिया, ये उन्होंने जज्बाती होके दिया है, लेकिन इसमें काफी सच्चाई भी है, क्योंकि उर्दू बोलने वालों के साथ बांग्लादेश और सिंध में काफी ज्यादतियां होती रही हैं। तो आई थिंक ही इज क्वाइट जस्टिफाइड इन मेकिंग दैट स्टेटमेंट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। वो कहते हैं कि मुशर्रफ साहब जरूरी नहीं कि अब वो हुकूमत में आए, तो क्या आप इसको किस तरह लेते हैं? किसी को आप रोक नहीं सकते, मतलब है कि हम देखेंगे कि मतलब क्या पोजीशन है, मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि उनके दौर में पाकिस्तान का अगर आप रिजर्व देख लें, 18-20 बिलियन डॉलर रिजर्व थे, अभी वो आधे से भी कम, 8 से भी कम रह गए हैं। तो ये वही सिचुएशन पे जा रहे हैं जहाँ 1999 पे थे, जिस वक्त मुशर्रफ साहब ने हुकूमत संभाला था, 300 मिलियन डॉलर भी नहीं था इन लोगों के पास पे करने के लिए पेट्रोल गैस वगैरह। तो हालात बहुत बड़ी तेजी से खराब हो रहे हैं। तो जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं आएंगे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जिस तरह इनके वक्त में था, लोग इनको मिस करते हैं, ये लोग कहते हैं कि उनकी कोई सपोर्ट नहीं थी, ये गलत बात है। मैं वहाँ जा चुका, मैं रह चुका, मैं सिंध, कराची, पंजाब, हैदराबाद, लाहौर, हर जगह फिरा हूँ, और यकीन करें लोग उनके दौर को आज भी याद करते हैं कि जिस तरह का उनके दौर में करप्शन से पाक जो माशरा बन रहा था, जो आम लोगों को पावर था, जिस तरह इन्होंने म्यूनसिपल और लोकल बॉडी इलेक्शन कराए थे और एक डेमोक्रेसी की बुनियाद डाली थी और एजुकेशन को जिस तरह से आम किया था, लोगों को इवन गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म वो मुहैया करते थे और बाहर जो आला तालीम, तो इस वक्त तो दानिश स्कूल भी बन गए, वो तो यूनिफॉर्म देते थे, अब तो स्कूल बन गए। तो वो तो आप सही कह रहे हैं, ऐसी कोई वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट में आता है कुछ ना कुछ करता जरूर है अपने मुल्क के लिए। उनके वक्त में ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो उनका जो 8 साल दौर था, तालीम पे जो उन्होंने पैसे खर्च किए, जो उन्होंने एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, लेकिन 9 साल काफी होते हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा कर दिया। अब बहुत सारे कॉलर्स हमारे, उन्होंने सबने ये कहा है कि अब उनको आना नहीं चाहिए, ठीक है, उनके लिए वो दुआ भी करते हैं सेहतियाब हों, लेकिन वो कहते हैं अब हुकूमत में आने की उनको अब नहीं जरूरत। तो ऐसा क्यों कहते हैं, मेरी समझ में आती है, मनमोहन सिंह जो है वो, उन्होंने जब आप देख लें उसकी स्टेज पे फर्स्ट क्लास वो हुकूमत कर रहे हैं और उनकी जो एक्सपीरियंस है दूसरे लोग वो कर रहे हैं। तो बात लीडरशिप की होती है, लीडरशिप जो है वो डेलीगेट भी कर सकता है, लेकिन एक आप पोजीशन पे रह के आप दूसरे लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसी बात नहीं कि वो नहीं आएंगे, वो जरूर आएंगे। गोल्फ अच्छा खेलते हैं वो, अच्छा खेल लेते हैं जी हाँ, आप कोशिश करके देख लें, आप नहीं हरा सकेंगे उनको गोल्फ। अच्छा तो गोल्फ खेलने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होता है कि बड़ा इंसान फुर्सत में हो, बड़े सुकून में हो और गोल्फ खेले, तो कभी मशवरा दिया आपने उनको? मैंने उनसे ऑफर की थी कि यहाँ पे चलते हैं गोल्फ वगैरह खेलने के लिए, तो मतलब वो, मैंने कहा ना वो काफी बिजी रहते थे, बहुत लोग, आप एजोर पे जाएं तो लाइनें लगी होती थी उनसे मिलने के लिए, उनके चाहने वाले, उनके इवन मुखालिफ भी वहाँ लाइनें लगा के उनसे मिलने की कोशिश करते थे। तो टाइम की बात होती है, मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने ऑफर की थी और उन्होंने कहा था हाँ आएंगे किस दिन खेलें, नहीं खेल सके वही, क्योंकि हुकूमत में बैठ के फिर वो इतना फुर्सत नहीं होती और गोल्फ वगैरह खेला नहीं जाता, तो इतना खूबसूरत अगर वो खेलते हैं, उनको आता है, तो उनको जरूर गोल्फ खेलना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, गोल्फ भी खेलना चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरी जिम्मेदारियां भी, वो भी मेरी, मुझे उम्मीद है कि वो भी निभाएंगे और पार्टी को लेके आगे चलेंगे। इतनी जल्दी हम उनको जाने नहीं देंगे, उनको तो हम अपने लीडरशिप के पकड़ के रखेंगे और हमारे रहबर हैं वो चलते रहेंगे। अच्छा, मतलब एपी में एपीएमएल जो है वो ये चाहेगी कि वो जरूर अपना किरदार अदा करें, हुकूमत में आए, और आप ये भी कहते हैं साथ ही कि चाहे वो मिलकर करें लेकिन अपना एक्सपीरियंस यूज करें, अपना तजुर्बा, जो अच्छे उन्होंने जो अच्छे दिन गुजारे हैं तो उसका एक्सपीरियंस यूज करें। तो वैसे बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो बैठ के एज अ एडवाइजर वो तो अच्छा काम कर सकता है, लेकिन किसी पार्टी को चलाना और किसी पार्टी के लिए काम करना, उसमें थोड़ा ये है कि वक्त की ज़रूरत होती है, और अगर वो गोल्फ खेलेंगे तो वक्त नहीं मिलेगा। आप आखिरी कोई अगर कमेंट्स करना चाहें कुछ? यही मैं कहूँगा चाहूँगा कि भाई आप उनके दौर को देखें और उनके वक्त में जो पाकिस्तान का वक़ार था, जो नया लुक उन्होंने दिया था, अगर आप वो चाहते हैं, अब वो पीस लविंग कंट्री को बनाना है, तो आप उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें, उनके लिए दुआ करें, वो जल्दी सेहत हों और हमारे साथ आए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यही हम कहेंगे कि
किसी सरबराह को, और ख़ास तौर पर अगर वो फ़ौज का सरबराह रह चुका है और फिर पाकिस्तान का साबिक सदर है, अगर उसको कोई गद्दार कहता है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और इस लेवल पे आकर अगर कोई गद्दार था तो इसका मतलब कि जब वो जंगें लड़ता था तो वो भी गद्दारी करता था। इसका मतलब जब वो हिफाजत करता था हमारी सरहदों की तो वो गद्दार था। तो ये किस किस्म की और किस तरह की ये चीज़ है कि आप उसको उस वक्त तो महाफिज कहते थे और जब ये वक्त आया कि वो अगर सियासत में आना चाहता है तो आप कहते हैं कि वो गद्दार है। सोचिए इस पर, थोड़ा सा गौर कीजिए। और मैं ये कहूँगी, आप किसी भी फील्ड में हो, अपनी सोनी धरती माँ पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।